नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट लगातार मिलती रहे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजगढ़ के एक ऐसे कलेक्टर जो बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं। यह है माननीय नीरज कुमार सिंह, मध्य प्रदेश के राजगढ़ के कलेक्टर। यह कलेक्टर हैं तो कुछ भी बोलेंगे। ऐसा अधिकार इनको किसने दे दिया? एक बड़े अधिकारी को भाषा का संयम तो बरतना चाहिए, लेकिन इनकी भाषा देख करके तो ऐसा लगता है कि यह आदमी निरा गंवार और जाहिल है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह धरनारत आंदोलनकारियों से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए जो एक आईएएस की भाषा तो नहीं लगती। सर इतनी बारिश में अंदर यहाँ पे बैठे पांच लोग, फिर हमें आश्वासन क्यों नहीं दिया गया? सर धरने बैठे पांच दिन हो गए हमको बैठे बैठे। आप ये बताइए, धरने की सूचना किसको दी आपने? और अपना आपा खोए कलेक्टर यहाँ एक आंदोलनकारी से बात करते करते बोल पड़े अपना मास्क ऊपर करवे। उनके यह बोल खूब वायरल हो रहे हैं। इनको कलेक्टर किसने बना दिया? जिस आदमी के पास बोलने की तमीज नहीं है, किससे कैसे बात करनी चाहिए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूं। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, आपके भगवान से राजगढ़ का कलेक्टर इतनी बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। यदि आपने अपने मातहतों को अपने भगवान से इस अंदाज में बात करने की इजाजत दे रखी है तो ध्यान रखिएगा, भगवान का भी वरदान भविष्य में जो आएगा वो भाजपा के खिलाफ ही जाएगा। इसलिए ऐसी भाषा बोलने वाले कलेक्टर के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए, या कम से कम इतना तो बताया जाए कि किसी भी व्यक्ति से बात कैसी करनी चाहिए। कलेक्टर के माँ बाप ने इसी तरीके के संस्कार दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को भरी महफिल में जलील कर दिया जाए। एक तरफ सरकार कहती है दो गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी, आखिरकार एक व्यक्ति सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क लगाए हुए है और उसी व्यक्ति को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह यह कह रहे हैं कि मास्क ऊपर करवे। सोचने वाली बात है, एक तरफ केंद्र और प्रदेश की सरकार कह रही है दो गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क है जरूरी, और वहीं मध्य प्रदेश का एक कलेक्टर आम जनता से यह कह रहा है कि मास्क ऊपर करवे। उनकी असंसदीय भाषा के लिए तो कम से कम मध्य प्रदेश सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि ऐसे कलेक्टर को मैदान में पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो यह जनता के साथ इसी तरीके से वार्तालाप करते रहेंगे।